क्या कहते थे, दूध वाली आंटी, राइट? दूध वाली आंटी, दूध वाली आंटी वैसे दिखती है। कुछ बोलना चाहोगे? ओह याद नहीं आ रहा, अभी याद दिलाता हूँ। मेरे को कई लड़कों ने बातें बोली भाई ट्रांसफॉर्मेशन को लेके ना, पहले भी मगर मैं सबके सामने बोलती दूध वाली आंटी, क्योंकि मेरे चेस्ट ऐसी थी गाइस, जिन्होंने बोली है वो मेरी वाइफ हंस रही है पीछे, राइट? अब जिन्होंने पता मुझे, क्योंकि गाइस मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ और मैं उन कमेंट से मोटिवेट होता हूँ, मैं कभी कमेंट से डीमोटिवेट नहीं हो जाता, ये होता वो नहीं होता, मैं पढ़ता हूँ और फिर मैं सोचता हूँ कि मैं कैसे अपने आप को और इम्प्रूव करूँ। किसी ने दूध वाली आंटी बोला, किसी ने मतलब ऐसी ऐसी गंदी गंदी चीज़ें बोली। तो देख लो तुमने दूध वाली आंटी को कैसे बना दिया। सो थैंक यू सो मच। तो गाइस कभी भी ना कमेंट सुन के डीमोटिवेट मत हो, कमेंट सुन के अपने आप में ऐसी एक आग लगा लो अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि मैं गलत साबित करके रहूँगा। दूध वाली आंटी बोलते थे, सब बोलते थे, राइट? और मैं नहीं कह रहा, यूट्यूब कमेंट्स के नीचे बहुत चीज़ें बोली हैं। तो गाइस दिस इज़ हाउ यू शुड आंसर, काम से नहीं बॉडी से जवाब दे दिया, और ऐसे चलता रहेगा गाइस, बिकॉज 13 नवंबर को हमारे चंडीगढ़ गेस्ट पोजिंग करने के लिए, कहाँ पे? टैगोर थिएटर है, आई एम नॉट रॉन्ग, मैं डाल दूंगा गाइस डिस्क्रिप्शन में। पोज तो बताओ कैसा लगा वहाँ पे? हाँ बताओ, पोज बताओ भाई कैसा लगा। ये देखो पोजिंग कुछ ऐसी होने वाली है, देखना जरूर आना। तो बस तैयारी है, देखना जरूर। 3, 4, 5, 6 इधर देखो सामने, 7, 8, 9, 10 ओके चेंज, हाँ ये शाबाश, 1, 2 और ऊपर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गुड, आगे, यस खींचो ऊपर की साइड बॉडी वेट, यस यस खींचो। यस कम ऑन, खींचो 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 खींचो, ध्यान लगाओ नीचे देखो अपने आर्म्स को, यस अभी कंडीशन ऐसी हो गई ना भाई को, अगले महीने कंपटीशन खिला दो, बहुत ज़बरदस्त है। और ये तैयारी सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहे हैं, अभी कौन सी तारीख भाई वो, लुधियाना, चंडीगढ़ एनपीसी, नहीं नहीं डेट क्या है, डेट 13 नवंबर में, ये सिर्फ आप लोगों के लिए भाई थिएटर। और भाई का कहना है कि वहाँ पे मैं जो करूँ, मेरे से भाई ने बोला है कि भाई मैं स्टेज परफॉर्मेंस जो करूँ बिल्कुल एकदम लुक लाइक कॉम्पिटिशन लेवल वाली फिजिक दिखनी चाहिए, तो हम भी लग गए तैयारी पर, भाई को उस दिन एक कॉम्पिटिटर की तरह भेजेंगे। खेलने खेले क्यों नहीं, जवाब स्टेज पे मिलेगा, क्यों नहीं खेले बता दें। शोल्डर प्रेस करने वाले, तो भाई की बात आपको कैसी लगी जो भाई ने बोला? कम से कम 14 रैप्स करने और 2 सेकंड नीचे होल्ड रख के नीचे ले जाओ, 1, 2, up गुड, 1, 2, up यस, 1, 2 यस, 1, 2, up ऊपर लेके जाओ, यस गुड गुड, चलते रहो, शाबाश शाबाश, ओके। तो आप लोगों ने क्या चीज़ सीखी है भाई की इस ट्रांसफॉर्मेशन से, इस बॉडी बिल्डिंग के वर्कआउट से? बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जीतने की चाहत इंसान को बदल देती है, जीतने की चाहत, हराने के लिए नहीं, जीतने की चाहत, अपने आप को जीतने की, अपने आप से जीतने की, प्रूफ करने की। हमेशा वो बोलते रहे, कमेंट्स तो बहुत सारे नेगेटिव पॉजिटिव अच्छे बुरे आते रहते हैं,
बट कमेंट्स की बात नहीं है, बात है इंसान खुद का चैलेंज देता है, खुद से अपने आप से कि मैं बदल लूँगा अपने आप को। क्योंकि ये बात सच है भाई की कि ट्रेनिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेनर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जब तक आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे कि हाँ मुझे करना है, तो कोई क्या करवा लेगा, कोई भी नहीं करवा सकता। इसलिए ये चीज़ भाई, ये जो पूरी जर्नी ना भाई से सबसे ज़्यादा सीखने की चीज़ यही है कि भाई इंसान खुद चाहता है तो वो कुछ भी कर सकता है, और किसी भी एज में कर सकता है, किसी भी समय कर सकता है। उसके लिए चाहिए आपको सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस, आपके जो साथ में ट्रेनर है उसका कॉन्फिडेंस, और आपकी जो इंटरनल पावर है उसको जगाओ, डेली जगाओ। आज की डेट में देखो भाई का वर्कआउट बहुत ज़बरदस्त है। आप लोग सिर्फ कैमरे पे एक्सरसाइज देखते हो, जो कैमरे के पीछे होता है हार्ड वर्क उससे भी ज़्यादा होता है, वो ज़बरदस्त होता है। और मैं बहुत कॉन्फिडेंस हूँ इस चीज़ को लेके कि भाई उसमें कोई चीट नहीं कर रहा, किसी तरह की नहीं। डे बाई डे, वीक बाई वीक बॉडी इतनी ज़बरदस्त चेंज हो रही है, इतनी ज़बरदस्त। और जो मैच्योरिटी थी, वो बोलते थे कि मैं मैच्योर, बहुत सी चीज़ें अब वो कहीं से कहीं तक लिखती नहीं कि भाई ये कोई नया मसल से है, कोई पहली बार गेम खेलने जा रहा है ये लड़का, ये बंदा, ऐसा कोई कह नहीं सकता क्योंकि तैयारी है। अब आप छोटी सी बात देखो, एक स्टेज परफॉर्मेंस के लिए वो ऐसे भी जा सकते हैं, अभी ऐसे अपना नॉर्मली कर रहे हैं जा सकते हैं, बट उन्होंने मेरे से कहा है कि मुझे बहुत ज़बरदस्त दिखना है वहाँ पर, मेरे को बहुत ज़बरदस्त लाइक कि मेरा वही कॉम्पिटिशन है, वो अपना कॉम्पिटिशन सोच के वहाँ पर जा रहे हैं। तो जितने भी लोग वहाँ पे आप लोग आइएगा ना, तो आपको देखेगा एक एथलीट, और वो भी ऐसा एथलीट कि जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं लगा सकता था कि कहीं से कहीं तक ही कभी ज़िंदगी में स्टेज पे खेल लेगा, कंपटीशन करेगा, या बंदा ये इस तरीके की फॉर्म लेके आ सकता है। आपके मजाक ने मेहनत करना सिखा दिया, एक नॉर्मल से आदमी को बॉडी बिल्डर बना दिया। ये तो शेर हो गया भाई, कोई लास्ट पास नहीं, कम ऑन, छोड़ दो, चलो शाबाश। काउंटिंग सेट रैप सब खत्म हो चुका है, अब सिर्फ मारो, शाबाश, कम ऑन, बहुत जान है इसमें, चलते रहो, कम ऑन, फाइव मोर, सिक्स, चलो, अरे चलो, कोई आओ यानी, चलो 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 चलो, शाबाश। कुछ ही होती ट्रेनिंग, मजाक नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चल रही है, ये जीत की तैयारी है। तो तोड़ो जितना भी तोड़ना है, बाद में हम जोड़ लेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, ये बात भी पक्की है। पोज बनाओ, इसको खींचो, पब्लिक आपका, अरे वाह गजब, शाबाश, खींचो इसे जान लगा के, ये तो भाई साहब जहाँ मर्जी बैठे बैठे भी फाइबर दिखा रहे हो, क्या चक्कर गया ये, खा क्या रहे हो तुम आजकल? हाँ ये जो पोज बना रहे हो ना आप, इसमें जो आपका जो है ना, जो ब्रेन है वो आपके मसल्स पे रहना चाहिए, समझ रहे हो आप मेरी बात को, कि इधर उधर ध्यान नहीं, जब पोज बन रहा है तो हमेशा आपके पोज पे, तभी एक बैलेंस पोज दिख सकते हैं, ये कितनी खूबसूरत दिख रही है आपको, ठीक है ना। ये देखो अभी इसको पकड़ोगे, अभी ध्यान थोड़ा सा आपका भटक गया, इधर कोई भी कुछ भी साइड में कुछ भी कर रहा हो उससे कुछ लेना देना नहीं है। कहना है कि भाई के शोल्डर थोड़े मतलब सुन टाइप के हो गए, पंप हो गए, पूरे भर चुके हैं, बट अब ये गेम हमारा अभी चालू हुआ है, समझ लो मेहनत ही अब चालू हुई है, यहाँ तक कोई भी कर सकता है अब इसके आगे। अब ये पोज बनाओ, हाँ नहीं नहीं ये ऐसे पूरा वो दिखना चाहिए अपने को, हाँ ये बाइसेप्स का, वाओ अब ये ना देखो इसमें सीखो, जैसे ये वाला पोज बना दे ना, ये दिखाया, अब हाथ ऐसे यहाँ से, अब पूरा थोड़ा स्टाइलिश, इसको नॉर्मल नहीं, थोड़ा स्टाइलिश आना चाहिए, वाइड, ये है परफेक्ट, ग्लूट्स पीछे, ऑब्लिक छिजे हुए, बहुत बढ़िया, यस यस, ठीक है चलो। भाई की बॉडी देखी आप लोगों ने, सभी लोगों ने, तो एक चीज़ और ध्यान रखना, बहुत कमेंट आए थे नूर खान क्यों, तो नूर खान इसलिए, ठीक है, ओके।
ठीक है ना भाई? बिल्कुल बिल्कुल भाई ने बोला बिल्कुल, तो सिर्फ भाई जानते थे हमारे बारे में, अब पब्लिक जानती है। ये यस, अब अंदर हो तुम। यस ओ वाओ, बॉडी बिल्डर वाली पूरी आत्मा आ गई इनके अंदर, अब समझ रहे हो ना। वन मोर 14, ओके। मसल पंप कर दी, ठीक है। अब करना थोड़ी सी पोजिंग, टाइट, एकदम टाइट रखना उसको, और टाइट करो, ट्राइसेप्स को टाइट करो, जान लगनी चाहिए, फिर ज्यादा उठाओ, ग्लूट्स पीछे, बॉडी खींची हुई, आगे चेस्ट को आगे लेके जाओ, हाँ खींचो सिटिंग रोइंग की तरह, सांस छोड़ो, वाओ खींचो और दोबारा, हाँ परफेक्ट परफेक्ट। देखा भाई, सिखा दिया, तैयारी अभी और भी ज़बरदस्त है। ये वही बॉडी है, क्या बोला था पता नहीं, क्या दूध दही क्या जो जो बोला तुम लोगों ने, मगर फिर भी तुम्हारी बातों की वजह से भाई धन्यवाद। वीडियो में बोला था आज से करीब 110 दिन पहले, और क्या बोला था सुनिए। और ये जो प्रेप हो गया, अब इसमें देखोगे एक इंडिया का टॉप एथलीट के सामने जब तरुण गिल खड़ा होगा ना, वो एथलीट ये बोलेगा कि यार इसको हराना मुश्किल है, वो ये ज़रूर बोलेगा कि तरुण भाई को हराना इस टाइम बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, कि यार क्या करके आए। तो मैं इस चैलेंज के साथ आपको बात बोल रहा हूँ, और आपने मेरी पुरानी बॉडी देख ली, और मैं सारे एथलीट्स किसे कहते हैं ना दिल से तो रिस्पेक्ट किया, मैं तो उनको भगवान मानता हूँ सारे एथलीट्स को, जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं भाई, कि तो मुझे समझ आ रहा है कितना मुश्किल काम है। आपको पता लग गया कि आप मुझे किसी के सामने जब खड़ा करेंगे, जब मैं कंपटीशन करने जाऊंगा, जो बड़े से बड़ा चैंपियन होगा वो एक बात ज़रूर बोल देगा मेरे को देख के कि आज के दिन तरुण को हराना मुश्किल होगा। आज से मैंने 110 दिन पहले बात बोली थी, पर अभी भी 50 दिन बाकी है। सो क्या होगा 50 दिन में पता लगेगा गाइस। सो बट ये सब नतीजा है आपके प्यार का, आपकी मोटिवेशन का, और कई लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, मैं कुछ परवाह नहीं करता, बट थैंक्स फॉर ऑल योर लव कि आज हम यहाँ खड़े हैं और आपका प्यार ही हमें आगे लेके जा रहा है। गाइस वर्कआउट हो गया ख़त्म, और जैसे मैंने आपको कहा आइसो प्रो गाइस, इससे टॉप क्वालिटी प्रोटीन नहीं मिलेगा। रिजल्ट्स चाहिए तो इसको ट्राई करना, बिकॉज अब कॉन्टेस्ट का टाइम है, प्रेप का टाइम है, ज़ीरो कार्ब हैं, ज़ीरो शुगर हैं, और आइसोलेट प्रोटीन है गाइस, एक अनदर लेवल ऑफ प्रोटीन, प्योर प्रोटीन। ये सिर्फ उनके लिए जो अपनी बॉडी को लेके बहुत पर्टिकुलर है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आपने एक ऑडी जैसी बॉडी तैयार कर ली, राइट, अब आप इसमें मारुति का सामान तो नहीं डालोगे ना, राइट, बिकॉज इसके लिए आपको चाहिए ऑडी का ही सामान, टॉप नॉच। तो ये आप समझ लो प्रोटीन की ऑडी है, अगर दैट मेक सेंस। तो बट आप लगा लो टॉप नॉच क्वालिटी प्रोटीन है, दिस इज़ वॉट यू शुड डू। अगर आपको अच्छी बॉडी मेंटेन करनी है, अच्छी चीज़ें डालो, प्योर डालो, एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, ट्राई करना।